गुरु जी के चरणों में मेरा कोड़ी -कोड़ी प्रणाम खुश रहो बेटा खुश रहो गुरु जी मेरा आपसे कोई प्रश्न तो नहीं है पर आपसे मेरी एक विनती है मैं पढ़ लिख कर बहुत कुछ बनना चाहती हूँ मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ और मैं सबको ज्ञान देना चाहती हूँ माताओं की सेवा करना चाहती हूँ गुरु अच्छा। जी मेरी एक मम्मी है उनके ऊपर प्रेत है वो आके कहता है मेरी मम्मी के ऊपर कि वो मेरी मम्मी को ले जाएगा मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती हैं जब मेरी मम्मी परेशान रहती है घर पे कोई नहीं रहता है पापा ड्यूटी जाते हैं मैं ही होती हूँ और मम्मी तबीयत खराब होती है मम्मी की तो मेरे आँखों में बहुत आंसू आते हैं जब आप एक भजन गाते हैं गुरु जी माँ बच्चों की जहाँ होती है किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है गुरुजी इस भजन पर मुझे बहुत रोना आता है तो आपकी माँ कहाँ है? है तो आपकी माँ को अब प्रेत व्रेत नहीं आएगा ठीक है? है उनको बोल देना कि मन लगा के श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करेंगे और अपने पास में नारायण कवच रखेंगे नारायण कवच मिल जाता है पुस्तक पाँच दस रुपए की नारायण कवच अपने बटुए में हमेशा रखा करो या तो श्रीमद भगवत गीता अपने बच्चों को सबको अपने पास नारायण कवच या भगवत गीता सबको रखनी चाहिए जैसे आप जाते आते हैं ना बटुए में रखी रहा करो छोटी छोटी मिल जीत मिल जाती हैं इन चीज़ों को रखेंगे और सदापुर की वाणी पे केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण और घर पर कीर्तन कर लिया करो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण तो जितनी नेगेटिविटी होगी हमने बताया था अपने घर के द्वार पर शंख और चक्कर लगाना हाँ। फर्स्ट दिन ही बताया शायद हमने कल परसों कल बताया था तो शंख चक्र लगवा लेना अपने घर में और अपने घर के ऊपर ना झंडा लगवा देना जिसमें हनुमान जी बने हो ठीक है फिर कोई प्रेत व्रेत घर ना ऊपर से आएगा ना सामने से आएगा नेगेटिविटी कभी नहीं आती इसलिए हमें घर पर ध्वजा तो होनी चाहिए घर पे झंडा होना चाहिए जिसपे हनुमान जी हों और घर के द्वार मेन द्वार पर घर के ऊपर द्वार के ऊपर सॉरी शंख और चक्र हो जैसा कि यहाँ भागवत जी के ऊपर रखे रहते हैं ना शंख चक्र तिलक है ना वो चीजें आप बनवा लेना वहाँ आपके कारीगर बना देंगे जो भी हैं और वो जरूर लगाना ये भाव से कि भगवान के आयुध हैं फिर घर में कभी नकारात्मकता प्रवेश नहीं करेगी ठीक है राधे राधे खुश रहो राधे